अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहाजुल हक सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं दी वॉच। नाज़रीन, शहर में अमन व अमान का क़याम और मंशियात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ़ जगह पर नाकाबंदी की जाती है। पुलिस के ये नौजवान लोगों को रोककर उनकी जामिया तलाशी लेते हैं। लोग इनसे कितने मुतमईन हैं और पकड़े जाने वाले जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है, आइए ये जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ शहरी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फजलुर रहमान। ये पुलिस वाले नाकाबंदी करके आपको रोकते हैं, आपकी हिफाजत के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, आप इनसे मुतमईन हैं? जी मुतमईन हैं। आपको ये खड़ा करके नाकाबंदी पर रोक कर क्या आपसे सवाल करते हैं, क्या पूछते हैं, क्या देखते हैं आपसे, क्या चाहते हैं? ये हमारी चेकिंग करते हैं, यानी कि हमारे पास कोई है कोई चीज़ें और हमारी यानी कि आईडी कार्ड वगैरह चेक करते हैं हम, यानी कि एटीएम प्लस है ताकि हम बाइक चला सकें और हमारा यानी कि गाड़ी के कागजात वगैरह देखते हैं। आप मुतमईन हैं इनसे? परेशानी तो होगी आपको ये रोकते हैं? नहीं, परेशानी क्यों, किस चीज़ की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान। अच्छा, ये पुलिस वाले नाकाबंदी करके आपको रोक रहे हैं, आपकी तलाशी ले रहे हैं, मुतमईन हैं आप इनसे? हाँ जी जी मुतमईन है। आपकी हिफाजत पर ये मामूर हैं, तो क्या चेक करते हैं आपको, क्या देखते हैं ये? कुछ नहीं, बस आईडी कार्ड चेक करते हैं और आईडी कार्ड और उसकी कापी चेक करते हैं, बाइक की कापी चेक कर रहे हैं। परेशानी होती है आपको रोक कर तलाशी देते हुए? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं ऐसा। आपको ये नाकाबंदी लगा कर रोकते हैं, आप इनसे मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है, बहुत अच्छा काम है ये। ठीक है, परेशानी होती है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, क्या क्या ये चेक किया इन्होंने अभी आपसे? इन्होंने शादी कार्ड चेक किया है। ठीक है, जामिया तलाशी ली है इसके अलावा? हाँ जी। मुतमईन है आप इसका? बिल्कुल, हाँ कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ ये बहुत अच्छा काम है ये, मतलब आदमी को चेक कर लो बेहतर है, कोई आदमी किसी दूसरी जगह को वारदात करके आया होता है तो पता चल जाता है इसे, ये बहुत अच्छा इकदाम है। पुलिस के नौजवान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ये नाकाबंदी लगा कर रोकते हैं लोगों को, क्या क्या तलाशी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम खान। सर आप लोगों को रोकते हैं नाकाबंदी करके और क्या क्या तलाशी लेते हैं उनसे? उनके आईडी चेक करते हैं, कागजात चेक करते हैं, बाइक के कागजात चेक करते हैं, बाइक के कागजात चेक करते हैं और आईडी कार्ड चेक करते हैं। ठीक है, जिनके पास आईडी कार्ड मौजूद नहीं होता उनके साथ क्या करते हैं फिर आप? अगर कोई आउट डिस्ट्रिक्ट हो ना, फिर उसे फ्रंट डेस्क पे ले जाते हैं। ठीक है, उसका डाटा देखते हैं, अगर कोई चोरी का हो तो फिर कार्रवाई करते हैं। पुलिस के कितने नौजवान आपके साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं एट अ टाइम? नाके पे आज तक 6 लोग हैं। कितने बजे से कितने बजे तक आप नाका लगाते हैं? हमारे जो DSP साहब हैं ना, उन्होंने मुख्तलिफ टाइम पर नाके लगवाए हैं। मुख्तलिफ टाइम टेबल आपका बनाया होता है, शेड्यूल होता है उनका, उस पर आप नाका लगाते हैं? जी। अच्छा, जो जराइम पेशा अफराद पकड़े जाते हैं उनके साथ आप क्या करते हैं, कानूनी कार्रवाई कैसे करते हैं उनके साथ? अगर किसी के पास वेपन हो तो वेपन की कार्रवाई करते हैं, अगर किसी के पास मंशियात हो तो मंशियात की कार्रवाई करते हैं। उनको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं? इनको पुलिस स्टेशन ले जाके कार्रवाई करते हैं। की फ़ज़ा कायम रखने के लिए पुलिस के ये नौजवान अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करते। सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी इनके साथ भरपूर तावन करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।